राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के पुरातन छात्रों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसमें हमें सीख लेनी चाहिए। 1984 से 1985 दशक के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के पुरातन छात्रों ने राजकीय जुबली एल्युमिनी एसोसिएशन नाम से एक संस्था बनाई जिसमें इस कॉलेज के 70 पूर्व छात्र जुड़े हैं। सभी छात्र उच्च पदों पर अन्य अन्य विभागों में कार्यरत हैं। एल्युमिनी एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर तिलोक रंजन के संज्ञान में जब ये बात आई कि कॉलेज में छात्रों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं है तो उन्होंने अपने संगठन के माध्यम से महंगी महंगी पुस्तकों को खरीद कर विद्यालय को दान दिया। गुरुवार को जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में राजकीय जुबली एल्युमिनी एसोसिएशन द्वारा 1984 से 1985 के भूतपूर्व छात्रों के सौजन से पुस्तकालय नवीनीकरण में उन्नयन समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह भदौरिया ने पुस्तकों का फीता काट कर उद्घाटन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञान सिंह भदौरिया ने कहा कि इस अवसर पर हम अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हमें भूत के बारे में नहीं भविष्य के बारे में सोचना है। इस अवसर पर एल्युमिनी एसोसिएशन के सदस्य प्रधानाचार्य राजकीय जुबली इंटर कॉलेज नंद प्रसाद यादव, शिक्षक और भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर तिलोक रंजन ने कहा, तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। पहले आप जहाँ बैठे हैं वहाँ हम लोग कभी बैठते थे, आज आप वहाँ कलम वहाँ थे। जो 7.5 मिलियन लोग हैं वो एकदम अलग है, डॉक्टर लोग जानते हैं। और यहाँ के भूतपूर्व छात्र और आज इस प्रांगण उपस्थित इस कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, समस्त कॉलेज के स्टाफगण, कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया बंधु और मेरे प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा अवसर है जहाँ पर हम लोग पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं और हम लोग सीखने का एक मौका मिलता है हम लोगों को। चाहे जहाँ पर अगर हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हमको अपना बचपन याद आ जाता है, हम भूत पर चले जाते हैं तो भूत से ही वर्तमान है। आप आज वहाँ पर बैठे हुए आपको भविष्य के बारे में सोचना है तो आप आज के दिन यह देखेंगे कि आपके जो आप जहाँ बैठे हुए हैं कल आपके जो जितने भी आज ब्लैक बोर्ड में दिखाई पड़ रहे हैं सब आपके एलुमनाई हैं, यहाँ के पढ़े हुए बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं और आज समाज में बहुत प्रतिष्ठित स्थान है लोगों का। और कभी मैं भी स्टूडेंट हुआ करता था, जुबली कॉलेज में पढ़ा हूँ मैं, जुबली कॉलेज में टीचिंग भी मैंने किया हुआ है लेकिन लखनऊ में, तो मैंने भी एलुमनाई वहाँ बनाई है लखनऊ के अंदर। तो शुरू में बंद, एक बार किसी ने कहा होगी उसका बंद हो गई थी, 5 साल का जुबली कॉलेज का प्रिंसिपल का मुझे चार्ज मिला तो मैंने बात कहा था इंटरनेट के माध्यम से वेबसाइट मांग के एक प्रकाशन किया और कम से कम 250 लोग बाग मेरे उससे जुड़ गए। उसके बाद में पत्रिका शुरू हो गई और उसके बाद में हमारे कार्यकाल में 8 लोग जो विदेशी थे वो विदेश में अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, कोई इंजीनियर था कोई डॉक्टर था, वो मिले आके। उसके बाद में हमारे जो लखनऊ के बड़े बड़े डॉक्टर थे और बड़े बड़े लोग बाग थे वो आके मिले आके, उन्होंने कहा कि आज हम इस पोस्ट पर पहुँचे हैं वो केवल जुबली कॉलेज के कारण पहुँचे, जुबली कॉलेज लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि हम इस बारे सारे पुराने दोस्त हैं, जो भी बहुत कुछ छात्र रहा होगा, हम अगर एलुमनाई मनाएंगे तो अपने अपने अनुभव और अपने अपने जो भी समस्याएं हैं
वो आपके सामने शेयर करेंगे कि आज कितनी समस्याओं से जहाँ बैठे हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। यानी कि कैरियर काउंसलिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा मंच मिलता है ये एलुमनाई, जो पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। एक पढ़ाई ऐसा क्षेत्र होता है जो सबको मिलाता है और जिससे व्यक्ति आगे बढ़ता है। और इस अवसर पर जबकि एक बहुत अच्छा प्रयास हमारे जुबली काल के भूतपूर्व छात्रों ने किया और ये आपके लिए एक लाइब्रेरी की स्थापना की करने जा रहे हैं, क्योंकि ये किताब ही आपका भविष्य है। मुख्यतः हम लोग पिछले एक साल से अपने, चूंकि हम जुबली के पुराने स्टूडेंट हैं, तो सन 85 और सन 84 में जो बच्चे हम लोग पास हुए थे इंटरमीडिएट करके निकले थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था और हम लोग के दिमाग में था कि हम अपने कॉलेज की बेहतरी के लिए और फ्यूचर रन में सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो उसके तहत हम लोगों ने अपना एक पहला प्रोग्राम किया था कि यहाँ के बच्चों का एक टैलेंट हंट किया था, क्लास 9th के और क्लास 11th के, उनको पुरस्कृत भी किया था और आगे के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। जब हम कॉलेज में घूमे तो हमको लाइब्रेरी में बहुत सी चीज़ों की कमियां लगें। किताबें ऐसी थीं जो पुरानी थीं, किताबें तो थीं लेकिन वो पुरानी थीं। वो किताब आप जानते हैं कि हर साल नया पब्लिकेशन के साथ चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो हम लोगों ने पहले स्टेप में ये सोचा कि हम लोग यहाँ की लाइब्रेरी को इनरिच करेंगे, नवीनीकरण करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने आपस में इकट्ठा करके 2 लाख रुपये का फंड इकट्ठा किया, जिससे कि आज हम लोग जो है उनकी लाइब्रेरी को इनरिच करेंगे। अगला स्टेप हम लोग का ये है कि हम लोग जो अब प्रेजेंट सिनेरियो, उसमें किताबें पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, तो हम ई लाइब्रेरी पे भी जाएंगे। यहाँ के लाइब्रेरी में हम कंप्यूटराइजेशन कराएंगे और ई लाइब्रेरी की भी स्थापना करेंगे। फिलहाल अभी तक हम लोग के 75 लोग हैं जो मेंबर हो चुके हैं, लेकिन हम लोग की प्लानिंग है कि अब हम लोग एक छोटा सा ऑफिस बना के, जिसके लिए हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट भी की है, उन्होंने कॉलेज प्रेमसेज में ही जगह देने का वादा भी किया है, तो हम यहाँ पे जितने भी एलुमनाई हैं उन सबको जो है शामिल करने की योजना में है, जो कि हमको लगता है कि संख्या फिर हज़ारों में चली जाएगी।